अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? सदर इफ्रित ने कहा था कि वो माहिरा को सुपुर्दे आप कर देंगी, उसे पानी से मौत देंगी, पर कब, कैसे? मर जा माहिरा, जल्दी जल्दी मर जा। मेरी ताकतें वापस आ रही। बच्ची पता नहीं कहां चली गई, काम चोर गई की। सायरा! बानो, कहीं वो आजाद सर और आमाद सर के साथ तो नहीं? नहीं, 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 नहीं। भाईजान,
बचाइए मायरा को। मायरा, मायरा अपना हाथ दो। माहिरा, माहिरा आंखें खोलो, माहिरा, माहिरा उठो, माहिरा, माहिरा आंखें खोलो, माहिरा, माहिरा, इट्स ओके, मैंने तुम्हें बचा लिया। अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गया, वरना तुम्हें कौन बचाता। तुम ठीक तो हो ना? डोंट वरी, मैं हूं ना। चलो सायरा मेरी प्यारी बहन, तेरे सपनों के सेज में ये माहिरा सो रही है। अब तो तू अमात सर का ख्वाब देखना छोड़ ही दे। माहिरा ने तो तुझसे पहले ही अमात सर को फांस लिया। आज ब्रश किया है तो ज्यादा दांत दिखा रही है। तुझे भी ना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। जिन बाहों में तू झूलने का सपना देख रही है ना, उन बाहों में भी ये माहिरा झूल रही है। देखा नहीं था आजाद सर ने इसको कैसे खींच के बाहर निकाला था। तो बिल्कुल सही कह रही है सायरा, ये हम दोनों के शहजादों को उंगलियों पे नचा रही है। हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। हाँ, अभी इस कमरे में माहिरा के सिवा कोई नहीं। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का। हम इसे मार देंगे और सबको यही लगेगा कि माहिरा नींद में ही अल्लाह को प्यारी हो गई। मुझे जीना है तो उसे हर हाल में मरना होगा। मायरा को मरना होगा। अल्लाह, ये क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं, बस आईना टूटा है। आईना टूटना तो अपशगुन माना जाता है ना, मैं इसे साफ कर देती हूँ।
वैसे आप मायरा को लेके परेशान है ना, वो आप बिल्कुल ठीक है। अमाद भाई के कमरे में आराम कर रही है, आप भी आराम कीजिए। कायना तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो मैं साफ साफ कर देते, इसके लिए और भी लोग हैं। क्या हुआ है? वो एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है, उसने छोटी सी पार्टी रखी है, तो मैं आपसे पूछने आई थी कि क्या मैं जा सकती हूँ, पर अब मैं नहीं जाऊंगी। जाओ। मैं जाऊं? हाँ जाओ कायना। क्या कर रहे हो? क्यों? हम तो यहाँ मायरा को देखने आए थे। देख लिया? अब जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। इन दोनों ने मुझे यहाँ पर इस कमरे में देख लिया, मायरा को कुछ हो गया तो इल्जाम मुझ पर आएगा, क्या करूं? कोई बात नहीं मायरा, तुम्हारी सांसें गिनती की हैं। अपनी बदकिस्मती को कोसना बंद करो। मायरा को मारने में जो तुम्हें नाकामी मिली है ना, वो तुम्हारी बदकिस्मती नहीं, खुशकिस्मती है जो बदकिस्मती का लिबास ओढ़ कर आई है। मतलब ये कि मायरा को सिर्फ तिलस्मी तरीकों से ही मारा जा सकता है, जिससे तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। सिर्फ चाकू से मार डालने से तुम्हें तुम्हारा मकसद हासिल नहीं होगा। हम वक्त न जाने कितनी जिंदगियां लिखवा कर लाई, कितनी कोशिशों के बाद भी वो जिंदा ही है। सब्र करो खान में, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। आपको माहिरा का कत्ल करना होगा, आपको उसे खत्म करना होगा। ये आवाज सुन रही हो? ये उन हवाओं की आवाज है जो माहिरा की मौत का फसाना कह रही है। जिस हवा में सांस लेती है ना, मैं उस हवा में जहर घोल दूंगी, और उस हवा में ली हुई एक सांस मायरा की आखिरी सांस होगी। लेकिन ये करने में मुझे वक्त लगेगा। तुम घर जाओ, आप उसे मार देंगी ना। कि तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा, अपने घर वालों को माहिरा से दूर रखना। Thank you.
इस पौधे की जिंदगी की तरह कि हवा तुम्हारी जिंदगी में भी जहर घोल देगी माहिरा। झांझरिया कायनात बेबी, हामिद भाई तो खान बेगम को लेके गए हुए हैं। तो आप मुझे लेके चलिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। नहीं नहीं, देखिए आपको तो ये पता ही है ना कि मैं आपके अब्बू का पर्सनल ड्राइवर हूँ, मुझे तो किसी को भी ले जाने की इजाजत नहीं। पर अब्बू तो पहले से घर पर नहीं है। खान बेगम नसीर साहब की इस गाड़ी में कुछ कर रही थी और उन्होंने मुझे ये गाड़ी ले जाने के लिए बिल्कुल मना किया। मुझे बस पास में ही जाना है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और आप मुझे छोड़ दीजिएगा, वापस मैं खुद आ जाऊंगी। आई बैठी अगर कल माहिरा सदरे इफ्रत की बनाई हुई पानी की कब्र में समा गई तो ये तोहफा मैं सदरे इफ्रत तक खुद पहुंचा के आऊंगी। मुझे पूरा यकीन है ये तोहफा पाकर सदरे इफ्रत बहुत खुश होंगे। क्या है? कुछ नहीं खान बेगम, मैं बस आपसे ये पूछने आया था कि अगर आपको कहीं चलना हो तो मैं। मुझे कहीं नहीं जाना, पर कल जाना जी। लेकिन ख्याल रहे कि कल तक इस गाड़ी को कोई हाथ ना लगाए जी, समझे? ये क्या आवाज थी? कायनात बेबी, मैं देखता हूँ। वैसे मुझे यही जाना है सामने वाले रेस्टोरेंट में। अच्छा, तो मैं उतरती हूँ। शुक्रिया। ठीक है, इतना बड़ा तोहफा, अगर कुछ भी नुकसान हो गया तो खान बेगम मुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी ने उसके सीने से ये खंजर निकाल दी तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा। शुक्रिया, अगर तुम्हारी गाड़ी को झटका नहीं लगता तो मेरे सीने में घुसा ये खंजर कभी नहीं निकलता, और ना जाने कब तक मैं जिंदगी और मौत के बीच में बेहोशी में गिरफ्तार रहता। वो लड़की कहाँ है? मेरे लिए फ्रूट पंच लाना। कायनात, तेरे भाई की वजह से मैं इस हाल में पहुंचा था ना, अब मेरे इंतकाम की सीढ़ी तू बनेगी। अब मैं तुझे जिंदगी और मौत के बीच एक लंबी खामोशी में सुला दूंगा, जहां तेरे भाई ने मुझे सुलाया था।
हो खामोशी का साथ हो सावले से रात हो खामोशी का साथ हो आज बरसों बाद अमात के कमरे में कदम रखा सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम अब कैसी हो। जानता हूं मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए पर क्या करूं, जितना दूर रहने की कोशिश करता हूं दिल उतना ही पास ले आता है। अब इस दिल को कैसे समझाऊं कि सूरज की किस्मत में चांद के पास आना नहीं लिखा होता। अल्लाह, ये घर में इतना कचरा है और साफ करने वाली सिर्फ मैं एक। अल्लाह, यहाँ तो कोई नहीं है, तो मुझे मारा किसने? अल्लाह, ये तो कुछ गड़बड़ है। आज सूरज कहाँ से निकला है? हल्क और मेरे रूम में? वाओ, वो मैं बस वैसे ही आया था। Sorry to disturb you. It's all right, Hulk. आपके साथ तो ऐसा होता रहता है। आप किसी को अपने कमरे में बुला लेते हैं या किसी के कमरे में चले जाते हैं। आप भूल गए हैं कि आपकी माहिरा सो रही है। आप सब कुछ भूल जाते हैं Hulk, पर मैं कुछ नहीं भूलता। मुझे सब याद है, आफरीन भी, मेरी और उसकी मोहब्बत भी। और आपने हमारी मोहब्बत की पीठ पे जो वार किया था वो भी। डरिए मत, आप यहां महफूज हैं। नाम क्या है आपका? आफरीन। पर इस बार मैं आपको वो कहानी दोहराने नहीं दूंगा। आजाद सर, आजाद सर, आजाद नहीं अमाद, आजाद सर के पास तुम्हारे लिए वक्त ही कायम है। बट डोंट वरी,
मैं हूं ना। शुक्रिया। I will always be there for you, Mahira. ये हंसी अब बस थोड़ी ही देर की मेहमान है कायनात। वेटर जी सर, पानी लेकर आओ। सर एक मिनट, मैं ये ऑर्डर दे देता हूँ। अभी अभी पानी। ऑलराइट या पानी। एक मिनट मैं क्या है। मेरे लिए फ्रूट पंच लाना। I don't know, sir. मैं ठीक हूँ, just get lost. मैम मैं आपका फूड पंच। थैंक यू। एंजॉय ड्रिंक मैम। मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। आजाद बाबा, आप ठीक तो हैं? या I'm fine. थोड़ी सी कमरिया में लचक आ गई है, that's all. चुप कर, नाजायज लतीफन। मैं आजाद बाबा से पूछ रही हूँ, आप ठीक तो हैं? या जी, पर अभी यहाँ से या बोलिए, what happened आजाद बाबा? मुझे लगा यहाँ कोई है। आपको भी आवाज सुनाई दी क्या? आवाज कैसी आवाज? जैसे कुछ छन छन की आवाज। आजाद बाबा, आपने तो मुझे स्कैरी कर दिया था, और छन छन की आवाज तो आएगी। मैं जो हूँ इस घर में, और आपको पता है 100 पायलों की आवाज तो सिर्फ लतीफन के इस दुपट्टे से आती है। आफ्टर ऑल मैं तो हुई छुई मुई। क्या आजाद बेटा, हम डर गए, वो भी इस लतीफन की घंटी से। वो सब ठीक है, माहिरा बहुत कमजोर लग रही है, आप उसके लिए जूस लेके जाइए और उसको सूप बना के दीजिए। बाबा हाँ, क्यों नहीं अभी जाते हैं आजाद बाबा। लग जाओ काम पे। मुझे याद आ रहा है कि हमारी डेट अभी हुई नहीं है, पेंडिंग है। तुम वेट करो, मैं अभी तैयार होके आता हूं।
तो ये है तेरे हर बार बचने का राज। अगर मैं इस ताबीज को ही खत्म कर दूंगी तो तुझे मुझसे बचाएगा कौन? हेलो, एक्सक्यूज मी, ओ हेलो लेडीज, वॉशरूम में कहाँ आ रहे हो? सुनाई नहीं देता, आपसे बात कर रही हूँ। क्या बदतमीज इंसान है, आपको समझ में नहीं आता मैं इतने देर से क्या बोल रही हूँ। अक्रम तुम? हाँ मैं। बहुत ऊंचा खानदान है ना तेरा? हाँ? बहुत ऊंचा खानदान है ना तेरा? तुम्हारे खानदान के नाम पर बदनामी की मोहर आज लगा कर ही जाऊंगा। मारा मैं तेरी जिंदा रहने की आदत से परेशान हो चुकी हूं। कर शैतान ने चाह तो आज मेरी परेशानी दूर हो जाए। इफ्रत ने अपना वादा पूरा कर दिया। आप यहाँ क्या करी? वो खान बेगम, वो मैं बिरेस कुमारी को ढूंढ रही थी। तू
पूछना था उसे कि वो रसोई का सामान आया या नहीं। मैं थोड़ा बाहर गई थी ना मजार पर चादर चढ़ाने। चादर चढ़ाने के क्यों? आपको तो पता ही है ना खान बेगम, मेरा शौहर तो पता नहीं कहां अपना मुंह काला नीला पीला हरा कराने चला गया। मैं अल्लाह से दूसरा शौहर मांगने गई थी। मतलब ऐसे ही कोई अच्छी कंडीशन में सेकंड हैंड शौहर ही मिल जाए चलेगा। तो दूर रहो मुझसे। मैंने कहा चादर को दूर रखो। मैं समझ गई। खान बेगम अब डरिए मत, मैं आपके लिए पानी लाती हूं। तो अंदर से बंद है, चाबी लाई हो? खोलो जल्दी। चेक करो। लगता है जो भी था चला गया। चलो चलते हैं, आ जाओ। बहुत रहम है मेरे दिल में कायनात, तुम्हारे इस हाथ के बावजूद भी मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। मगर सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए। महिला